तो ये इस बारे में, ये चार जाति क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य और शूद्र कैसे आए? बुद्ध अधिक निकाय के अग्रण्य सूत्र में बताते हैं ये चार वर्गों का निर्माण कैसे हुआ। वासेठ तब वे प्राणी जो उनमें वर्णवान दर्शनीय प्रसादिक और मां शक्तिशाली था उनके पास आकर बोले, हे सत्व, उचितानुचित का ठीक से अनुशासन करो, निंदनीय कर्मों की निंदा करो, उचित कर्मों को बतलाओ, निकालने योग को निकाल दो, हम लोग तुम्हें शाली का भाग देंगे। बहुत अच्छा कहकर स्वीकार कर लिया। वह ठीक से उचितानुचित का अनुशासन करता था, लोग उसे शाली का भाग देते थे। वासेठ महाजनों द्वारा सम्मत होने से महासम्मत करके उसका पहला नाम पड़ा। शत्रु का अधिपति होने से क्षत्रिय करके दूसरा नाम पड़ा। धर्म से दूसरों का रंजन करता था, अतः राजा करके तीसरा नाम पड़ा। वासेठ इस तरह इस क्षत्रिय मंडल का पुराने अग्रण्य अक्षर से निर्माण हुआ। वासेठ पुरुषों का दूसरों का नहीं, धर्म से अधर्म से नहीं। वासेठ मनुष्य में धर्म ही श्रेष्ठ है, इस जन्म में भी और पर जन्म में भी। तो किसी इलाके का स्वामी होने से यह क्षत्रिय बना और राजा भी कहलाया और लोगों ने इसे न्यायाधीश बनाया। ब्राह्मण की उत्पत्ति। तब उन्हीं प्राणियों में किन्हीं के मन में यह हुआ, प्राणियों में पाप धर्म प्रादुर्भूत हो गए हैं जो कि चोरी होती है, अतः हम लोग पाप अकुशल धर्मों को छोड़ दें। उन लोगों ने पाप अकुशल धर्मों को छोड़ दिया। वासेठ पाप अकुशल धर्मों को छोड़ बहा दिया, इसलिए ब्राह्मण ब्राह्मण करके उनका पहला नाम पड़ा। वह जंगल में पर्ण कुटी बनाकर वहीं ध्यान करते थे। उनके पास अंगार न था, धुआं न था, मूसल न था। वह शाम को शाम के भोजन के लिए, सुबह को सुबह के भोजन के लिए ग्राम निगम और राजधानियों में जाते थे, भोजन कर फिर जंगल में अपनी कुटी में जाकर ध्यान करते थे। उन्हें देखकर मनुष्य ने कहा, ये सत्व जंगल में पर्ण कुटी बना ध्यान करते हैं, इनके पास अंगार नहीं, धुआ नहीं, मुसल नहीं, ध्यान करते हैं करके उनका दूसरा नाम ध्यायक पड़ा। वासिट उन्हीं सत्वों में कितने जंगल में पर्ण कुटी बना ध्यान न पूरा कर सकने के कारण ग्राम या निगम के पास आकर ग्रंथ बनाते हुए रहने लगे। उन्हें देखकर मनुष्यों ने कहा, ग्रंथ बनाते हुए रहते हैं, ध्यान नहीं करते करके अध्यायक यह तीसरा नाम पड़ा। वासेठ उस समय यह नीच समझा जाता था, किंतु आज वह श्रेष्ठ समझा जाता है। वासेठ इस तरह इस ब्राह्मण मंडल का पुराने अग्रण्य अक्षर से निर्माण हुआ। उन्हीं प्राणियों का दूसरों का नहीं, धर्म से अधर्म से नहीं। वासेठ धर्म ही मनुष्य में श्रेष्ठ है, इस जन्म में भी और परम जन्म में भी। जो लोग जंगल में झोपड़ी बनाकर ध्यान करने लगे वे ब्राह्मण कहलाए, और जो ध्यान करना छोड़ दिए वे फिर गांव और निगम में आकर शास्त्र और धर्म ग्रंथ रचना शुरू किए और वे अध्यापक कहलाए। वैश्य की उत्पत्ति। वासेठ उन्हीं प्राणियों में कितने मैथुन कर्म करके नाना कामों में लग गए। वासेठ मैथुन कर्म करके नाना कामों में लग जाने के कारण वैश्य नाम पड़ा। वासेठ इस तरह इस वैश्य मंडल का पुराने अग्रण्य अक्षर से नाम पड़ा। वासेठ धर्म ही मनुष्य में श्रेष्ठ है, जो लोग सहवास और नाना कर्म करने लगे वे वैश्य कहलाए। शूद्र की उत्पत्ति। वासेठ उन्हीं प्राणियों में बच्चे जो शूद्र आचार वाले प्राणी थे, शूद्राचार करके शूद्र अक्षर उत्पन्न हुआ। वासेठ इस तरह वासेठ धर्म ही मनुष्य में श्रेष्ठ है, जो लोग शूद्र आचरण वाले थे, जैसे जानवरों का शिकार, सफाई करना आदि नाना प्रकार के काम करने वाले शूद्र कहलाए। श्रमण सन्यासी की उत्पत्ति। वासेठ एक समय था जब क्षत्रिय भी मैं श्रमण होऊंगा सोच अपने धर्म की निंदा करते घर से बेघर हो प्रवजित हो जाता था, ब्राह्मण भी, वैश्य भी, शूद्र भी। वासेठ इन्हीं चार मंडलों से श्रमण मंडल की उत्पत्ति हुई। धर्म ही मनुष्य में श्रेष्ठ है, और जब क्षत्रिय घर छोड़ सन्यासी हुआ तो वह श्रमण कहलाया, और ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र भी श्रमण सन्यासी हो जाते, जन नहीं कर्म प्रधान है। वासेठ क्षत्रिय भी काया से दुराचार, वचन और मन से दुराचार कर मिथ्या दृष्टि वाले हो, मिथ्या दृष्टि के अनुकूल आचरण करते हैं और उसके कारण मरने के बाद दुर्गति नरक में उत्पन्न होते हैं, ब्राह्मण भी, वैश्य भी, शूद्र भी, श्रमण भी। वासेठ क्षत्रिय भी काया से सदाचार करे सम्यक दृष्टि और उसके कारण मरने के बाद स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं, ब्राह्मण भी, वैश्य भी, शूद्र भी, श्रमण भी। क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य और शूद्र भी मन वचन और काया से अपराध करते हैं। क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य और शूद्र जैसा है वैसा देखकर अच्छा व्यवहार करते हैं। वासेठ क्षत्रिय भी काया वचन मन से दोनों तरह के कर्म करके सच झूठ दोनों से मिश्रित दृष्टि धारण रख मिश्रित दृष्टि वाले कर्म को करके काया छोड़ मरने के बाद सुख दुख दोनों भोगने वाले ब्राह्मण भी, वैश्य भी, शूद्र भी, श्रमण भी। वासेठ
क्षत्रिय भी काया वचन मन से संयत हो 37 बोधि पाक्षिक धर्मों की भावना करके इसी लोक में निर्वाण को प्राप्त करता है। ब्राह्मण भी, वैश्य भी, शूद्र भी, श्रमण भी। वासिष्ठ, इन्हीं चार वर्णों में जो भिक्षु, शरणाश्रव, समाप्त ब्रह्मचार्य, कृतकृत्य, भार मुक्त, परमार्थ प्राप्त, भवबंधन मुक्त, ज्ञानी और विमुक्त होता है, वही उनमें श्रेष्ठ कहा जाता है। धर्म से, अधर्म से नहीं। वासिष्ठ, धर्म ही मनुष्य में श्रेष्ठ है, इस जन्म में भी और पर जन्म में भी। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र में जिनका जीवन पवित्र, जिनका लक्ष्य पूरा हो चुका हो, दोष मुक्त हो, उदार, दानी, दयावान, जन्म मरण के बंधन से मुक्त ज्ञानी हो, वही श्रेष्ठ है। श्रेष्ठता ही उत्तम है।